15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता में आया, इसके बाद से हजारों लोग देश छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं। अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नमरूज प्रांत से कुछ ऐसी ही तस्वीर आईं, जहां लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। दुनिया भर में कितने रिफ्यूजी हैं? यूएन रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR के मुताबिक दुनिया भर में 8 करोड़ 24 लाख लोगों को जबरन अपने देश से निकाल दिया गया। इनमें से 2 करोड़ 64 लाख रिफ्यूजी के रूप में अलग अलग देशों में रह रहे हैं। 18 जून 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 67 लाख रिफ्यूजी सीरिया के हैं। अफगानिस्तान के 26 लाख शरणार्थी अलग अलग देशों में रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। क्या लोग इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पड़ोसी देशों में भी शरण ले रहे हैं? तालिबान ने उन सभी प्रमुख इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया जिनसे होकर लोग पड़ोसी देशों में जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि तालिबान केवल व्यापार के लिए जाने वालों या वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ बॉर्डर पर पहुंचने वालों को भी सीमा पार करने दे रहा है। जो लोग तालिबान का राज आने से डरे हैं, उनके पास देश छोड़कर जाने के लिए इस तरह का पेपर वर्क नहीं है। तो वहीं यूएन ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को अपने बॉर्डर शरणार्थियों के लिए खोलने को कहा है, लेकिन अफगानिस्तान के पड़ोसी उज्बेकिस्तान ने अपनी सीमा को बंद करके सुरक्षा बढ़ा दी है। उसका इन सीमाओं को खोलने का कोई इरादा भी नहीं है। तुर्की बना रहा है 295 किलोमीटर लंबी दीवार। मुस्लिम देशों के ज्यादातर शरणार्थी तुर्की होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। हालांकि इन शरणार्थियों को रोकने के लिए तुर्की 295 किलोमीटर एक लंबी दीवार बना रहा है। जो लोग काबुल के पास पूर्वी अफगानिस्तान के प्रांतों में फंसे हैं, वो भी तुर्की जाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बंद किया बॉर्डर। अफगानिस्तान से सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान की लगती है। उसने भी अफगान रिफ्यूजियों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया। हालांकि पाक अफगान सीमा पर हजारों लोग जमा हैं, जो सीमा पार करके पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से भागते लोगों की तस्वीरें आपको 1947 में भारत के बंटवारे की तस्वीरें याद दिला सकती हैं। उस समय करीब 1 से 2 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा था। अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से लगती है और ऐसी खबरें हैं कि हजारों अफगानी यहां भी सीमा पार करके ईरान जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनमें से कितने सफल हुए इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। देश छोड़ने के बाद अफगान शरणार्थी कहां जाते हैं? जून 2021 तक के UNHCR के आंकड़े बताते हैं, उस वक्त 26 लाख से ज्यादा अफगान रिफ्यूजी दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा 14,05,000 अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में थे। इसके बाद 7,80,000 अफगान रिफ्यूजी ईरान में रह रहे थे। जर्मनी में 1,80,000 तो तुर्की में 1,30,000 अफगान रिफ्यूजी थे। उस वक्त भी लाखों अफगानी ऐसे थे जिन्होंने दूसरे देशों में शरण लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन उस वक्त तक मंजूर नहीं हुआ था। अगर ऐसे लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा 1,25,000 आवेदन तुर्की में शरण लेने के लिए हुए थे। जर्मनी में शरण लेने के लिए 33,000 तो ग्रीस में शरण लेने के लिए 20,000 आवेदन थे। भारत ने अफगानियों को शरण देने के लिए क्या किया? भारत ने इसे लेकर अलग से कोई नियम नहीं बनाया। हालांकि अभी तक भारत में किसी को रिफ्यूजी स्टेटस या नागरिकता देने के मामले केस टू केस देखे जाते हैं। भारत ने 1951 के शरणार्थियों के कन्वेंशन पर साइन नहीं किया है। इसके साथ ही 1967 में बने रिफ्यूजी स्टेटस प्रोटोकॉल का भी भारत हिस्सा नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत ने वहां के लोगों को वीजा से जुड़ी सहूलियतें दी हैं। अफगान लोगों के लिए ई वीजा की नई कैटेगरी बनाई गई है और साथ ही उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस को भी फास्ट ट्रैक किया गया। ये ई वीजा फिलहाल 6 महीनों के लिए दिया जा रहा है। हालांकि इसके बाद क्या होगा इसे लेकर इसमें कुछ कहा नहीं गया है। अमेरिका चला गया, क्या अब तालिबान अफगानियों को देश छोड़ने देगा? अमेरिका के जाने के बाद भी तालिबान देश छोड़कर जाने वालों को सुरक्षित रास्ता देगा। अमेरिका समेत कई देशों ने ऐसा दावा किया। उनका कहना है कि तालिबान ने इस बारे में आश्वासन दिया है। तालिबान के चीफ नेगोशिएटर शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि अमेरिका के जाने के बाद भी जो लोग देश छोड़कर जाना चाहें वो जा सकते हैं, भले ही अफगानिस्तान के हों या किसी दूसरे देश के नागरिक हों। जिन लोगों ने युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद की उन्हें भी देश छोड़कर जाने से तालिबान नहीं रोकेगा। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।